मिसाल है ना जिनो क्या कौन सी मिसाल दी मैंने? आपने मिसाल दी के आबिद को और इसको मैंने ना पकौड़े के टॉप लगा के दे दीजिए ठिया। तो पहले दिन या दो दिन के लिए वो ऐसे जाकर कोने में बैठ जाते थे, मतलब ये डील करे, ये चाह रहा था कि वो डील करे। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान ऐसी चीज़ है, कोई भी चीज़ नाम क्या कहते हैं उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं, आप कर सकते हैं ठीक है, पर आप जब उसको सोचते हो ना फिर नहीं कर पाते, मसला ये। अब देखे ना हमारे माशरे में, मतलब आप बोल रहे हो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, आपकी आवाज़ अच्छी है, कर आप देखो कभी कभार आप खुद की आवाज़ कभी कभी गुनगुनाते हो, बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यों लगती है, उस वक्त आप वाकई में उस सोच में होते, उस फीलिंग्स में होते, उस फीलिंग से गाते हो। भाई एक बात बता, हमारे माशरे का तो ये हाल है कि जो है ना एक ये नौजवान है 20,000 रुपये महीना कमा रहा है यार, नौजवान पूरा एक बंदा 20,000, ये हमारे माशरे का, हमारे जो है ना सोसाइटी, पूरी दुनिया का निज़ाम ऐसा हुआ हुआ है कि 20,000 वैल्यू यही है भाई। ये 2009 से रह रहे हो कराची में, 2009 से रह रहा है, अभी इसकी उम्र तकरीबन 27-28 होगी, कितनी है 27-28,000, 2019 13 साल इसकी लाइफ से अगर आप निकालो इसमें से, तो ये खुद 13 साल का फिर था, सही है। तो उस वक्त इसको घर वालों ने छोड़ दिया भाई कराची में कमाओ। कहाँ से है ये? घर से। वही मसला है ना कि मतलब ना फैमिली को पता है कि ये क्या कर रहा है, किसे किस साल में। मैं ये मिसाल देता हूँ, देखो परंदे जानवर जो भी हो उसको बच्चा अपना कितना प्यारा है, ये नहीं है, मैं वही मिसाल दे रहा था कि अभी थोड़ी देर अभी हम और रुकेंगे ना, तो इसके घर से अभी की आप होगी फोन आएगी भाई कहाँ पे हो, इसको नहीं आती, बच्चा क्या है गरीब है, जितने आप गरीब होते जाते हो ना, ऐसा नहीं है कि ये माँ बाप को प्यारा नहीं है, मैंने वो मिसाल दे दी कि परंदे हो जो भी जिसने भी जान है ना उसको अपना बच्चा प्यारा है, पर इसको फ़ोन नहीं आती, वजह ये कि उनको पता है कि हम मजबूर हैं, वो नहीं जाएगा तो हमारा घर नहीं चलेगा। अभी आप क्या कह रहे थे, मुझे जो है ना आपका डायलॉग अच्छा लगा कि जितना गरीब उतना सस्ता, जितना गरीब उतना सस्ता, वो मैं कह चुका हूँ, देखो ना वही वजह है ना, अभी यार किसी के घर में रह रहा है, घर वालों को पता नहीं है, अगर तबीयत भी इसकी खराब हो गई नो मैटर, मर गया कोई मसला ही नहीं भाई, खैर है, बहुत सारे मर गए, बीमार भी होगा ना, वकील साहब ने मारा था, बीमार भी होगा ना, इसको अपना सेट बोलेगा, जो काम इसका होता है ना रूटीन में बोलेगा कर क्या। इसी के गांव का एक बच्चा था जो कि बावर्ची था, एक बंगले में, उसको अपने जो है ना सेठ साहब ने, जो कि एक बड़ा हाई प्रोफाइल वकील था, उसने गोली मार दी ऐसे ही गुस्से में आके, बस मर गया, और कोई अजाला नहीं हुआ उसका, बस इन बावर्ची जो है ना, जो इनकी कम्युनिटी है, उसने चंद दिन जो है ना एहतजाज किया, सारे गरीब लोग थे, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे दोस्त का दोस्त ठीक है, जैसे वाले का, अब उसको पुलिस वाले ने, गलती भी इसकी कोई, इसने हरकत की या इसके साथ कोई ये चीज़ ऐसी चीज़ थी, पुलिस वालों ने रोका, तो उसने अपने बाप को फ़ोन की कि मुझे पुलिस वालों ने रोका है, उसका बाप, उसको पता चला कि ये इसकी ये हरकतें थी, वो आ गया रात को पुलिस के थाने पर और पुलिस को धमकी दे के गया कि तुम कौन हो तो मेरे बेटे को ये बोलने वाले कि ये गलत कर रहे हो, और इसके लिए, और जब वो जो बावर्ची मर गया उसके लिए, बस सस्ते हैं ना, गरीब हो सस्ते हो, कोई मैटर नहीं करता कि भाई आप परंदे हो या क्या हो,